नमस्कार दोस्तों, इस्तीफे का दौर लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। इस्तीफा इस कदर हो रहा है कि अब आप खुद देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अध्यक्ष भी अब इस्तीफा देकर बीजेपी से अपना पाला छुटाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्रियों ने इस्तीफा देकर खुद को पार्टी से अलग कर दिया। कुछ ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे ही पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत बड़ा झटका लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर पार्टी से खुद को अलग कर लिया है, यानी कि अब भाजपा में वो नहीं है। सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ी जानकारी दें सूत्रों के हवाले से, तो कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। आज तक ने इस खबर को लेकर पोस्ट किया है, आर्टिकल छापा है और छापते हुए कहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के चीफ सुनील जाखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने दिया ये रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन दिया है, इस पूरी खबर की जानकारी आपको बता दूं कि क्या खबर है पूरी। दरअसल दोस्तों, पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सूत्रों से मिली बड़ी सियासी खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब पार्टी इस्तीफे की खबर का खंडन कर रही है। पार्टी से एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि इस तरीके की कोई भी बदलाव पार्टी के अंदर नहीं हुआ है, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम न्यूज़ पोर्टल पर, तमाम मीडिया में खबर तो यही छाई हुई है दोस्तों, कि कैसे जो है सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही के दिनों में जाखड़ प्रदेश कार्यकारिणी की ज़रूरी बैठक से भी दूर देखे गए हैं। इस्तीफा देने को लेकर सुनील जाखड़ ने चुप्पी साध रखी है, उन्होंने इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस्तीफे के दौरान जो कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद जो है उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से जाखड़ काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया, जिसकी वजह से भाजपा में और ज़्यादा कलेश जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू वही हैं जो कांग्रेस से आए थे और कांग्रेस से आने के बाद भाजपा ही हो गए, तो उसके बाद उन्हें इनाम मिला और इनाम देने के बाद किस तरीके से राहुल गांधी को आतंकवादी, देश का नंबर वन बता रहे थे, ये सब तो आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा कि अचानक से रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के रंग में कैसे रंगते हुए नज़र आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये रंग जो है वो बीजेपी के लिए भंग वाला साबित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता ने बीजेपी से पाला छोड़ दिया है। बीजेपी को टाटा बाय बाय कहते हुए इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह नवनीत सिंह बिट्टू बताए जा रहे हैं कि नवनीत सिंह बिट्टू की वजह से ही ये इस्तीफा हुआ है। हर तरफ यही खबर चल रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो साफ तौर पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे बीजेपी के लोग बीजेपी का साथ इस वक्त छोड़ रहे हैं दोस्तों, जब चुनाव जो है सर पर है, चुनाव नज़दीक है और ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ किस तरीके से जो है इस्तीफे की ही खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए, न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रहा है कि पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, रूबरू करवा रही हूँ कि कैसे बीजेपी का कुनबा कम हो गया है। बीजेपी खुद को सबसे बड़ी देश की पार्टी बता रही है, लेकिन देश में उनके बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर खुद को अलग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।